वेलकम टू माय चैनल प्रीति की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ मिर्च प्याज से एक रेसिपी, तो चलो बनाते हैं। इसके लिए मैं एक चम्मच ऑयल ले लूँगी। ऑयल यहाँ पे हमने सरसों का लिया है, आप चाहे रिफाइंड भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे सिर्फ सरसों का तेल लिया है। हमारा गरम हो चुका है, इसमें डाल लेंगे मैं जीरा बगैर पिसा, ये हरा धनिया, और ये ले लिए हमने एक चम्मच सफ़ेद वाले तिल। देखो ऑयल अच्छा हो चुका है हमारा, तिल हमारे चटक रहे हैं। फिर ले लेंगे इसमें हींग और ये प्याज, इनको भून लेंगे। देखो ये पक चुके हैं, भून लेंगे चलाते हुए। आप भी अगर अपने घर बनाना चाहते हो तो ज़रूर बनाना। आप चाहे तो इसे दही के साथ भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ इसे ऑयल से बनाऊँगी, कोई पानी नहीं डालूँगी इसमें, सिर्फ भून लेते हैं। देखिए प्याज हो चुकी है हमारी फ्राई। हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है। अब इसमें डालेंगे हमें हरी मिर्च जो हमने दो भागों में कट कर ली है। गैस को कर लेंगे मंदा इंडेक्स को और इसे चलाते जाना है। ये एक ऐसी रेसिपी है जो आपने पहले यूट्यूब पे नहीं देखा होगा। देखिए ये हो चुके हैं फ्राई। अब इसमें डाल लेते हैं हम थोड़ा हल्दी। हल्दी यहाँ पे हम आधी चम्मच ही डालेंगे। सिर्फ आधी चम्मच ही डालनी है आपको, और इसमें नमक डालना है, लाल मिर्ची आपको नहीं डालना है। और मसाले मैंने यहाँ पे सारे बिना पिसे लिए थे, तो आपको पिसे हुए मसाले भी यहाँ पे ऐड नहीं करने हैं। मैंने इसमें सिर्फ बिना पिसे मसाले ऐड किए हैं, तो आप चाहो तो अपने घर पर ज़रूर बनाना। कैसी लगेगी आपको ज़रूर बताना ये रेसिपी। देखिए दो मिनट के लिए इसे हम फ्राई कर लेंगे ऐसे ही, इसमें कोई पानी नहीं डालना है। देखिए फ्राई हो चुकी है। यहाँ पे मैं डाल लूँगी ये दो नींबू, रस निकाल लिया है मैंने, जीरा इधर, आप चाहो तो दो का ना डाल के एक नींबू का रस डाल सकते हो। इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हो 10 से 15 दिन के लिए फ्रिज में, ये ख़राब नहीं होती है। देखिए अगर आप नींबू ऐड कर रहे हो इसमें, तो नींबू को आपको लास्ट में डालना है। मिर्च अगर पहले डाल दोगे तो मिर्च इसमें ये गलेंगी नहीं, तो हमने इसमें लास्ट में डाला है। रेसिपी हमारी बिल्कुल बनके तैयार है। तो देखिए कैसी बनी हमारी रेसिपी ज़रूर बताना। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी ज़रूर बताना कमेंट करके। हमारी बनके बिल्कुल तैयार है, दिखाते हैं आपको। निकाल के एक बाउल में बिल्कुल भी नहीं लगा है, तो देखिए कैसी बनी हमारी ये रेसिपी ज़रूर बताना।